देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज छत्तीसगढ़, मैं हूं प्राची तिवारी। मतदान केंद्र में पूजा पाठ करने के मामले में रमन सिंह सरकार के सहकारिता और पर्यटन मंत्री दयालाल दास बघेल को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। बघेल नवागढ़ विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी हैं। उन्होंने 20 नवंबर को दूसरे चरण में वोटिंग से पहले कूरा के मतदान केंद्र में अगरबत्ती जलाकर पूजा पाठ की थी। बघेल ने मतदान केंद्र की परिक्रमा की और ईवीएम को टीका भी लगाया था, फिर ईवीएम को बाकायदा उन्होंने प्रणाम किया, मतदान केंद्र के बाहर नारियल भी फोड़ा, इसके बाद उन्होंने वोट डाला। ये सब करते हुए उनके साथ मतदान केंद्र में बड़ी तादाद में समर्थक भी थे और वो इन सब का वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे, मगर अब चुनाव आयोग ने उन्हें इस मसले पर ही नोटिस जारी कर दिया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में रुपए बांटे जाने और एक व्यक्ति के पास से ईवीएम बरामद किए जाने की घटनाओं का हवाला देते हुए चुनाव आयोग का रुख किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य में कुछ लोगों की ओर से नतीजों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी ने आयोग से ये भी आग्रह किया है कि इन मामलों में उचित कदम उठाया जाए और ईवीएम के इस्तेमाल की तब तक समीक्षा की जाए जब तक चुनाव आयोग मामले की जाँच करके किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुँच जाता। इसे छत्तीसगढ़ सरकार की मुस्तैदी ही कहा जा सकता है कि घुर नक्सल प्रभावित राज्य में मतदान में किसी भी तरह का विघ्न नहीं पड़ा, जबकि 90 सीटों में 30 सीट के बूथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में थे। इस बार कहीं भी पुनर्मतदान कराने की नौबत अभी तक सामने नहीं आई है। राज्य में सुघर, सुगम और समदर्शी चुनाव का नारा लिए निर्वाचन आयोग शुरू से ही कार्य कर रहा था। 90 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में दो चरणों में चुनाव हुआ, पहला चरण 12 नवंबर को तो दूसरा चरण 20 नवंबर को पूरा हुआ। पहले चरण में घुर नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग और राजनांदगांव जिले की 18 सीटों पर मतदान हुआ तो दूसरे चरण में अन्य क्षेत्रों में 72 सीटों पर मतदान हुआ, मगर कहीं भी बड़ा नक्सली हमला नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने भिलाई के उतई इलाके में छापा मारकर गिट्टी खदान के गोदाम से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से मिली सूचना पर ग्राम देउरझाल स्थित गिट्टी खदान में गोदाम में पुलिस ने छापा मारा। इस छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। पुलिस ने मामले में आरोपी दिनेश कुमार साहू को गिरफ्तार कर जाँच शुरू कर दी है। देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर इस साल फेस्टिव सीजन में सेल्स ग्रोथ बढ़ाने में नाकाम रहा। हालांकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में चुनावी खर्च से इसे थोड़ी राहत जरूर मिल गई है। मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स ने बताया कि फेस्टिव सीजन के दौरान छत्तीसगढ़ में 10-12% की ग्रोथ देखने को मिली। इंडस्ट्री के आकलन के मुताबिक नवरात्रि से दिवाली के बीच देश भर में टू व्हीलर सेल्स में 10-12% और पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स में 4-6% की गिरावट देखने को मिली थी। तो ये थी छत्तीसगढ़ बुलेटिन की आज की तमाम बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए ग्रामीण न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।